देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला में 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज के साथ किए गए अपमान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विरोध स्वरूप रैली निकाली गई। तिरंगा बुलंद करते हुए सैकड़ों युवाओं ने एक स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष करके भारत माता की जय बोलते हुए माहौल गर्म कर दिया। बस स्टैंड, मुख्य बाजार, चौक चौराहे पर भारत माता की जय करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर युवाओं ने देशभक्ति का संदेश दिया। सेवक संघ के कार्यकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले में जो खालिस्तान के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, उसे उतारा गया और अपना लगाया गया, जिसका संघ पूरी तरह विरोध करता है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस से मांग करता है कि इस कृत्य में शामिल जो भी गुनाहगार हैं उन्हें बख्शा न जाए। खालिस्तान मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस, लाठी उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तमाम नारे लगाए गए। इसके खिलाफ हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है कि खालिस्तान इस देश में नहीं होते हैं। अगर इस देश में खालिस्तान वाले ये सब करेंगे तो हिंदू भी जागेगा और जो हमारे झंडे के साथ खिलवाड़ करेंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। सर, ये आरएसएस के माध्यम से, किस माध्यम? ये भाई साहब, ये युवा शक्ति के माध्यम से निकाली गई यात्रा है। इसमें सभी सुजानपुर युवा इकट्ठे हैं और सभी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। सर, एक ज्ञापन भी देने के विचार आपको? ये हमने विरोध प्रदर्शन ही निकाला है, एक समाज को मैसेज दिया है कि हम सभी एकता। ये जो विरोध प्रदर्शन आपने निकाला है, कहां से शुरू किया जाएगा और किस प्रकार का है? ये हमने पुलिस चौकी के साथ दीपक गैस पॉइंट तक निकाला था, मार्केट से। ठीक है।